सो वेलकम है गाइस आप सभी का आपके अपने चैनल टेक बुक पे। कल्ट स्पोर्ट बीट आ चुके हैं मेरे पास, इसका कंपैरिजन हम टर्मिनेटर से करेंगे। टर्मिनेटर कह सकते हो या आप एक और जो वॉच है फायरबोल्ट की, एटर्नो, सेम ही मतलब सारी सारी चीज़ मिलती है, तो इससे करके देख लेंगे, दोनों में से किसी एक से करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे बेटर कौन सी है, या आपकी कल्ट स्पोर्ट बीट्स है या आपकी टर्मिनेटर या एटर्नो है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस कंपैरिजन को। वैसे आप चैनल पे आकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक और फील की मैं बात करूँ, यहाँ पे बहुत अच्छा है दोनों का ही। यहाँ पे अपने पिक को एज अ वॉच फेस आप लगा सकते हो दोनों में ही, बट इसमें आपको 240 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिलता है, यहाँ पे 320 पिक्सल्स का है, मतलब 320 या 360 ऐसी कुछ है। इसमें पिक्सल साइज मतलब बेटर मिलता है इसका वॉच का, तो यहाँ पे 1.85 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, यहाँ पे 1.99 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, तो ये काफ़ी बड़ी डिस्प्ले है। और ये आपकी थोड़ी सी छोटी डिस्प्ले मिलती है, देख सकते हो यहाँ पे, और ये लास्ट मीडियम टू थिन रिस्ट तक भी अच्छी लगती है, और ये लास्ट मीडियम डिस्प्ले परफेक्ट है, बट थिन रिस्ट पर थोड़ी सी बड़ी लग सकती है, देख सकते हो यहाँ पे जो फायरबोल्ट की टर्मिनेटर है। उसी के साथ साथ यहाँ पे बेजल्स ऑलमोस्ट यहाँ पे देख सकते हो बराबर ही है, मतलब इसमें थोड़ी सी कम लगती है क्योंकि छोटी डिस्प्ले वाली वॉच है, इसमें बड़ी लगती है। ठीक है, साइड बाय साइड आप मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि दोनों में से बेटर कौन सी लग रही है। यहाँ पे अगर मैं थिकनेस की बात करूँ तो यहाँ पे ये ज़्यादा थिक है आपकी बीट वाली जो कल्ट स्पोर्ट बीट है, क्योंकि इसमें इंटरनल मेमोरी भी मिल जाती है। यहाँ पे बैटरी बैकअप भी ज़्यादा है इसका, और साइज़ भी बड़ा है बैटरी का, इसी वजह से लाउडनेस भी थोड़ी ज़्यादा मिलती है। अभी हम चेक करेंगे लाउडनेस किसमें मिलती है, इसमें ज़्यादा मिलती है कि इसमें मिलती है। ठीक है, वैसे इसमें 22mm स्ट्रैप साइज आफ्टर मार्केट का इसमें लगा सकते हो, इसमें आपको 20 मिलता है। और यहाँ पे स्पीकर का वेंट मिल जाता है दोनों तरफ, इधर की साइड से इसमें मिलता है और यहाँ पे इधर की साइड से इसमें मिलता है। पीछे डेडिकेटेड सेंसर के साथ SPO2 HR के लिए डेडिकेटेड सेंसर मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको माइक कमेंट मिल जाता है, और यहाँ पे आपको माइक कमेंट मिल जाता है इधर की साइड। ठीक है, तो इस तरीके से मिल जाता है। 2.5D कर्व ग्लास, ज़्यादा उठी हुई ग्लास मैं कह सकता हूँ यहाँ पे इसमें मिलती है। और इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि कल्ट स्पोर्ट वालों ने इन द बॉक्स इटसेल्फ आपको एक स्क्रीन गार्ड भी प्रोवाइड किया हुआ है, बट इसमें कोई भी स्क्रीन गार्ड नहीं मिलता। ठीक है, तो इस तरीके से मिल जाता है। जिसको बड़ी डिस्प्ले वाली वॉच चाहिए तो फायरबोल्ट की टर्मिनेटर के लिए जा सकते हैं वैसे। ठीक है, अब गए सारे के सारे फीचर्स चेक करते हैं। यहाँ पे कॉपी किया गया है, कल्ट स्पोर्ट ने कॉपी किया है फायरबोल्ट की पुरानी वॉचेस को, जिसकी विजनरी हो गया, हल्क हो गया, न्यूक्लियस हो गया, उसको कॉपी किया पूरा का पूरा UI। और यहाँ पे वाटर लॉगआउट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको टिपिकल जो फायरबोल्ट की रिंग 3 या रिंग प्रो का या रिंग प्लस का है UI, वो कॉपी किया गया, मतलब पुराना वाला, तो यहाँ पे इस तरीके से मिल जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर मैं सेटिंग पे चलूँ तो सेटिंग पे आपको दोनों में ही बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। वैसे दोनों ही वॉचेस डबल ब्लूटूथ चिप के साथ आती है, सिंगल ब्लूटूथ चिप का ऑप्शन नहीं दिया गया है। यहाँ पे आपका रिंग वाइब्रेशन म्यूट पे कर सकते हो, और यहाँ पे प्रॉपरली आप म्यूट भी कर सकते हो, यहाँ पे भी आप यहाँ पे म्यूट नहीं कर सकते प्रॉपरली, पूरा म्यूट नहीं होता, यहाँ पे रिंग वाइब्रेशन रहता है या वाइब्रेशन ऑनली रहता है, बट यहाँ पे कल्ट स्पोर्ट वाली में पूरा म्यूट कर सकते हो। ठीक है, उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर मैं ब्राइटनेस लेवल्स की बात करूँ, यहाँ पे डिस्प्ले की क्वालिटी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ब्राइटनेस लेवल्स यहाँ पे फुल है, यहाँ पे आपका ब्राइटनेस थोड़े से ज़्यादा मिलते हैं कल्ट स्पोर्ट वाली में एज़ कम्पेयर टू दिस वन फायरबोल्ट। ऑटो लॉक का ऑप्शन 30 सेकंड तक का मिल जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे भी ऑटो स्लिप का ऑप्शन 30 सेकंड तक का मिल जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे लो पावर मोड मिल जाता है, थिएटर मोड मिल जाता है, यहाँ पे कॉल रीसेट है, फाइन फोन का ऑप्शन है, और सिस्टम मेन्यू है, QR कोड है, अबाउट है। यहाँ पे अगर हम आएँ तो यहाँ पे वॉच फेस मिल जाते हैं, उसके बाद मेन्यू व्यू मिल जाता है, और यहाँ पे आपको डू नॉट डिस्टर्ब है, फोन ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है, फोन रीसेट है, मोड चेंज करने का ऑप्शन है, सिस्टम है, अबाउट है, दैट्स इट। यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि कल्ट स्पोर्ट में आप ये जो क्राउन की है वो वर्किंग है, मतलब जो आपको फायरबोल्ट की वॉच में नहीं मिलता, यहाँ पे ये जो क्राउन की है ऐसा, ये सिर्फ ऑफ करने के लिए पावर, दैट्स इट, बैक करने के लिए। राइट साइड में स्वाइप करते हैं, शॉर्टकट में जाते हैं आपको दोनों में ही, और दोनों ही इसका जो प्राइस है वो मेरे ख्याल से बढ़ चुका है, टर्मिनेटर का या एटर्नो का मैं बात करूँ, 2200-2300 रुपये में या 2500 रुपये तक के प्राइस ब्रैकेट मिल रही है। अंडर 2000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में अच्छी वॉच है, बट उसके ऊपर मैं रिकमेंड नहीं करता। यहाँ पे मेन्यू खुल जाता है, यहाँ पे आपको स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है फायरबोल्ट में, ये अच्छी बात है। नीचे की साइड से मेन्यू खुल जाता है, इसमें आपको एक पूरा मेन्यू ओपन हो जाता है, इधर की साइड से यहाँ पे टॉगल मेन्यू मिल जाता है। अब गाइस सारी की सारी चीज़ चेक करते हैं, इधर की साइड से, नीचे की साइड से यहाँ पे टैप करके, और इधर से हम और चीज़ चेक करते हैं। यहाँ पे स्टेप्स काउंटिंग है, यहाँ पे स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटी वो शो करता है, दोनों में ही सेम ही है। यहाँ पे हार्ट रेट, ओवर टू द एयर यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे नहीं बता रहा है, और फायरबोल्ट में भी नहीं बता रहा है, ओवर टू द सर्फेस यहाँ पे बताया है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे BP मोटर मिल जाता है, SPO2 मोटर मिल जाता है, और यहाँ पे भी आपका SPO2 मोटर मिल जाता है, और यहाँ पे देखते हैं, नहीं बता रहा इसमें, ओवर टू द सर्फेस बताया था ये कहीं ना कहीं, और ये थोड़ा सा इशू है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे डेडिकेटेड सेंसर किसमें है वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हार्ट रेट यहाँ पे स्कैन हो रही है, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हार्ट रेट के लिए सेंसर एक दोनों चल रहे हैं, और SPO2 के लिए देखें यहाँ पे डेडिकेटेड सेंसर है कि नहीं, यहाँ पे सिंगल ही सेंसर है, डबल सेंसर नहीं दिया गया। बट इसमें अगर मैं बात करूँ कल्ट स्पोर्ट में, इसमें आपको डेडिकेटेड सेंसर मिलता है, ये देखो रेड एक्शन का सेंसर जलेगा अभी इसमें, ये देखो, तो इसमें डेडिकेटेड सेंसर है। फायरबोल्ट की वॉच में डेडिकेटेड सेंसर नहीं दिया गया, एक ही सेंसर है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक्सरसाइज मोड मिल जाता है, यहाँ पे भी एक्सरसाइज मोड का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे हम वॉकिंग चेक करते हैं, 50 स्टेप चल के देखते हैं दोनों में से बेटर किसमें एक्यूरेसी मिलती है। ठीक है, तो गाइस 50 स्टेप्स मैंने चले, यहाँ पे 31 दिखा रहा है फायरबोल्ट में तो, और इसमें आपका 56 दिखा रहा है, तो एक्यूरेसी डेफिनेटली यहाँ पे कल्ट स्पोर्ट में ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, अब गाइस आगे चेक करते हैं, यहाँ पे वेदर अपडेट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे वेदर अपडेट्स मिल जाते हैं, ए वॉइस का ऑप्शन मिल जाता है दोनों में ही, शटर बटन मिल जाता है, यहाँ पे भी आपको शटर बटन, इसमें देखते हैं शटर बटन मिलता है कि नहीं, मतलब कैमरा शटर का ऑप्शन मिलता है कि नहीं,
यहाँ पे ओके इसमें मिल जाता है, कैलकुलेटर का ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे आपको अलार्म का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे आपको फ्लैशलाइट मिल जाता है, गेम्स मिल जाते हैं, बट इसमें कैलकुलेटर का ऑप्शन नहीं मिलता। इसमें आपको कैलकुलेटर का ऑप्शन मिल जाता है और गेम्स का ऑप्शन, दोनों ही चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, टॉर्च लाइट देख लेते हैं, यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल्स देख सकते हो आप, यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी देख सकते हो, यहाँ पे दोनों की किस तरीके से कैसे मिलती है। फायरबोर्ड की ज़्यादा बेटर लग रही है, बट अगेन रियल लाइफ में मेरे को इसकी ज़्यादा ब्राइट लगती है, बट अगेन इसकी भी ब्राइटनेस लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, इस तरीके से मिल जाते हैं। अब टैप करके होम पे चलते हैं। यहाँ पे अब हम कॉलिंग वाला फीचर चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कॉल क्वालिटी कैसी मिलती है। यहाँ पे हम डायल करते हैं नंबर को, देखते हैं यहाँ पे फायरबोर्ड में ज़्यादा मिलती है कि इसमें मिलती है। लाउडनेस ठीक है गाइस, ठीक है। अब इसमें चेक करते हैं, लाउड है डेफिनेटली फायरबोल्ट से, बट उतनी क्लियर नहीं है, थोड़ा सा डिस्टॉर्शन लग रहा है मेरे को। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे हम चेक करते हैं आपका वॉइस असिस्टेंट। वॉइस असिस्टेंट दोनों में अच्छा काम करता है वैसे। यहाँ पे इधर की साइड मिल जाएगा आपको वॉइस असिस्टेंट, इसमें इधर की साइड है एक्चुअली ये रहा। व्हाट इज द वेदर ऑफ फरीदाबाद? तो यहाँ पे दोनों में से किसी ने बताया, देखते हैं। फ़ोन में तो आ चुका है एक्चुअली, आई डोंट नो इसमें क्यों नहीं आ रहा है। तो गाइस इसको स्किप ही करते हैं, काम करते हैं, क्योंकि कभी कभार नेटवर्क इशू की वजह से भी हो जाता है। अब एक काम करते हैं, देखो अब बता रहा था, अब एक काम करते हैं यहाँ पे वेट चेक करते हैं दोनों का ही। वैसे मैंने अनबॉक्सिंग बता दिया था 52 ग्राम्स की थी आपकी कल्ट स्पोर्ट, यहाँ पे इसको चेक करते हैं इसका वेट कितना है। यहाँ पे 40 ग्राम्स तक की लग रही है मेरे को, 46 ग्राम्स की है, 45 ग्राम्स की। ठीक है, और यहाँ पे ये वाली वॉच कितने ग्राम्स की है, 54 ग्राम्स की है, तो 10 ग्राम्स का ऑलमोस्ट अंतर है यहाँ पे। अब एक काम करते हैं, हाथ पे पहनते हैं और ऑक्सीमीटर के साथ एक्यूरेसी टेस्ट कर लेते हैं दोनों ही वॉचेस की। तो गैस यहाँ पे मैंने दोनों ही वॉचेस को पहन लिया, दोनों ही कमाल की लग रही हैं वैसे, और वैसे लास्ट मीडियम इसके लिए परफेक्ट है आपकी फायरबोल्ट की, टर्मिनेटर या एटर्नो, और यहाँ पे लास्ट मीडियम टू थिन डिस्प्ले के लिए चल जाती है आपकी कल्ट स्पोर्ट बीट्स। और यहाँ पे हम चेक करते हैं, यहाँ पे यूआई मेरे को अच्छा लग रहा है, फायरबोल्ट का ही कॉपी किया है इसने, बट डेफिनेटली उसके बाद भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे 90 दिखा रहा है स्पीड और 84 हमारा आर्ट रेट दिखा रहा है, 84-85। ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं कितना दिखाता है, 84 ओके, क्लोज टू एक्यूरेट दिखाता है कल्ट स्पोर्ट में, और यहाँ पे भी आपका देखते हैं ओके, यहाँ पे भी क्लोज टू एक्यूरेट मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पे फायरबोल्ट की ज़्यादा एक्यूरेट लग रही है मेरे को, तो देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर ही है अब तो। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे SPU2 चेक करते हैं, SPU2 के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता, दोनों में से कोई सी वॉच आप बाय करें, और यहाँ पे इस तरीके से दिखा रहे हैं। देखिए गाइस कल्ट स्पोर्ट बीट आपकी स्टेट अवे विनर है, क्योंकि एक तो जिस प्राइस ब्रैकेट में मिल रही है वो बहुत ही बेटर है। ठीक है, फायरबोल्ट की वॉच का प्राइस बढ़ चुका है पहली बात तो, और 2000 रुपये से अंडर कोई वॉच ऐसी नहीं है जो आपको इंटरनल मेमोरी दे दे। तो यहाँ पे सॉन्ग स्टोरेज का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, कंफर्म कराता हूँ कि सॉन्ग स्टोरेज मिलता है कि नहीं मिलता। मैंने अनबॉक्सिंग में भी बता रखा है वैसे, इसमें भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे म्यूजिक प्लेयर में जाओगे तो आपको यहाँ पे स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, इधर की साइड ही देखो, लोकल म्यूजिक भी आप जा सकते हो। यहाँ पे आपको बर्ड्स प्ले करने का ऑप्शन मिलता है, कितना स्टोरेज मिलता है मैं चेक करके आपको बताऊंगा प्रॉपर्ली, एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊंगा। और इवन आप OTG केबल से भी आप यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो, साथ में आप इसको कंप्यूटर से कनेक्ट करके भी, लैपटॉप से कनेक्ट करके भी सॉन्ग्स को डाल सकते हो। ठीक है, लाउडनेस अच्छी तो यहाँ पे सॉन्ग्स भी अच्छी खासी यहाँ पे लाउडनेस मिल जाएगी सॉन्ग्स में भी। तो गाइस मेरा वोट जाता है कल्ट स्पोर्ट बीट को, और डेफिनेटली यहाँ पे विनर रहेगी कल्ट स्पोर्ट बीट, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी भी प्रीमियम है मेटल की है, और यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट बीट मिलता है। ठीक है, तो गाइस ये थे डीप डाउन कंपैरिजन दोनों वॉचेस का। अगर आपका क्वेरी दोनों वॉचेस रिगार्डिंग कुछ भी रहता तो जरूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, वैसे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो, मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।